और आप जैसे देखो अभी हर इंसान में कुछ बिलीव्स होती है जो ये नॉर्मल बिलीव्स है कि अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कई लोग होते हैं वो पॉजिटिवली बहुत अच्छा सोचते हैं कि मैं बहुत, मुझे प्यार है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मेरे को सब प्यार करते हैं, ये अपने बारे में है। और दूसरों के बारे में कि सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सब में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ एक नेगेटिव बिलीव जो बहुत कॉमन होती है ज्यादातर लोगों में है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं वीक हूँ, या मुझे लोग, मैं मुझे मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, राइट। ये बहुत से लोगों में होती है, ऐसा नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल में कहीं ना कहीं कुछ बिलीव्स होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझ में ये काबिलियत नहीं है, या मुझ में ये हुनर नहीं है, मैं यहाँ पे ये चीज में सक्षम नहीं हूँ, मैं मेरे कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। और दूसरों के बारे में कई लोगों को बहुत होता है कि दूसरे लोग खराब हैं, दूसरे लोग बेकार हैं, दूसरे लोग गंदे हैं, दूसरे लोग सही नहीं है, दूसरे लोग कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं, राइट। और दूसरे लोगों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम बहुत बार जो है बहुत सी, इवन आप ऑर्गेनाइजेशंस में है, फ्रेंड्स बनाने में है, रिलेशनशिप्स में है, आप देखते हो ये फैक्टर बहुत कॉमन होता है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, या लोग चीजें छुपाते हैं, लोग तो चीजें बताते नहीं है। उसके पीछे क्या धारणा है, क्यों वो ऐसा सोचते हैं, क्या क्या वजह, क्योंकि अगर वो ऐसे पूरे टाइम डरपोक की तरह रहे हैं और चीजों को छुपा छुपा के रखें, तो फिर आपको लगेगा ना कि ये एक नॉर्मल चीज नहीं है ना, कि भाई आप दो जने हो, पार्टनरशिप में हो, और दूसरे जने को ये बहुत आदत है कि वो चीजों को कहीं पे भी रखता है, आप उसका मोबाइल भी चेक करते लगते तो घबरा जाता है, अरे क्या क्या देख रहा है, या क्या क्या देख लेगा, और एकदम से पैल्पिटेशन हाई हो जाती है, राइट। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, कुछ उसके पीछे उसका कोई वो होगा कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। बच्चा लोग टीनेजर्स बोलते हैं मेरे को पढ़ने नहीं जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला है, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे आज आई डोंट वांट टू गो। सो ठीक है, देर है, मे हैव बीन अ रैगिंग, वॉट एवर मे इंसिडेंट मे, बट कुछ ना कुछ ऐसा ही समवेयर हैज, एवरीबडी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल थिंग्स, राइट। उसी तरह से हमारे को दुनिया के बारे में भी हमारे अंदर बहुत से विचार होते हैं जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं हमारे बारे में, लोगों के बारे में, वहां के लोग ऐसे ही होते हैं, या ये देश में ऐसा ही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बात की थी कि कल्चरली, और ये बिकॉज आई स्टे अब्रॉड, आई नो कि हाउ पीपल यहाँ पे अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से लोग हैं, तो हर एक का सोचने का, अगर मैं एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर कंट्री से आई हूँ, एक पर्टिकुलर सोच से आई हूँ, तो मेरा, मैंने ये चीजें देखी है बचपन। अब जैसे मैं कई बार मेरी डॉटर, मेरा नेफ्यू बाहर से आता था, तो उसकी आदत थी कि वो खाना खाएगा ना तो खाना डालेगा एक प्लेट में, और वो प्लेट में किसी से पूछेगा नहीं कि तुमको खाना चाहिए, या मैं तुमको शेयर करेगा नहीं, वो अपना पूरा खाना खत्म करेगा। हाँ, और तो मेरी डॉटर हमेशा बोलती थी कि मम्मी वो कितना सेल्फिश है ना, कि हमेशा बस अपना प्लेट में खाना रखा, अपने ही खाना खाया, क्योंकि हम लोगों की क्या आदत होती है, हम हर एक से पूछेंगे अच्छा ये ले लो, व्हाट विल यू हैव, कोई आएगा तो हम बोलेंगे चाय ले लो, कुछ कल्चर्स में तो ऐसा भी नहीं होता कि लोग आपको कॉफी भी पूछे या चाय भी पूछे, तो हमको अजीब सा लगता है कि अरे देखो वो लोग तो बात तक नहीं करते हैं, वो आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो अपनी चीजों में ही अपने बस इतना सा ही बात करते हैं, बस पूछेंगे हेलो हाय, उससे उसके आगे वो लोग ये भी नहीं पूछेंगे कि आपको क्या हुआ। सो फिर धीरे धीरे, सो व्हाट इज अवर बिलीव, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज से आए हैं, एक हमारी पर्टिकुलर धारणा है, दैट डजंट मीन कि लोग बुरे हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका एक परसेप्शन लाइफ में, उनका वे ऑफ लिविंग इज दैट, है ना। लेकिन उसकी वजह से अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कहीं पे, या कहीं पे हम कुछ चीजों से रिएक्ट अलग तरह से कर रहे हैं, तो वो, और वो हार्मफुल है,
करेक्ट तरीका नहीं है या नेगेटिव है तो, और वो हमको मे बी हम रोने लगते हैं या वी फील वेरी होम से और वी फील वेरी यू नो दिस थिंग, सो इट एक नॉर्मल चीज है ना। आप बोल रहे हो वो पूरे टाइम जब भी फोन पर बात करते हैं रोती रोती, तो वो आपको एक तरीके उसका क्या बिलीफ है उसके पीछे, क्यों वो ऐसे सोच रहे हैं, क्यों इस क्या अजम्पशन है, वो तक पहुंचेंगे। और जब आप उसको बता दोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं है कि जो लोग इस तरह से बात नहीं करते वो सही नहीं है या गलत है, ये हरे का, तो वो जब वो रियलाइज करने लगते हैं तो हम वो अपना तरीका बदल देते हैं और फिर वो हमको नो लॉन्गर हर्ट नहीं करता, वी डोंट फील हर्ट।